गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डी देसी व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं सो गाइस मैं आज एक और रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपकी स्किन से ही जुड़ी हुई है। लेकिन मैं इन सबको बोलने से पहले आपसे ये बोलना चाहूंगी, आप कुछ भी अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए, कोई भी देसी नुस्खा आप अपना लीजिए, लेकिन आपको एक रूटीन में अपनी रूटीन में एक चीज हमेशा शामिल करनी है और वो हमेशा के लिए करनी है गाइस, वो है पानी। रूटीन बनाना है कि आपको गर्म पानी मॉर्निंग में दोपहर के खाने के 1-1.5 घंटे बाद आपको लेना है, फिर नाइट में भी आपको 1 ग्लास गर्म पानी लेना है। अगर आप दिन में पूरे दिन में अगर आप 3 टाइम गर्म पानी पीते हैं फिर ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन ये नहीं है कि आपने 1 महीना पी लिया, 2 महीना पी लिया उसके बाद आपने उसे अवॉइड कर दिया, नहीं, आपको एक रूटीन बनाना है, अपनी हेल्थ के लिए बनाना है, अपनी स्किन के लिए बनाना है। हेल्थ के पहली बात, ये जो जंक फूड फास्ट फूड होता है ये हमारी स्किन को भी बहुत, हमें जो इतनी सारी बीमारियां होती हैं उसके साथ साथ हमारी स्किन को भी बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। हमारी स्किन, हमें झुर्रियां आने लग जाती हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, हमारी स्किन में ब्राइटनेस चली जाती है, कोई ग्लो नहीं रह जाता है। तो ये सब इन्हीं सब का कारण है। मैं खुद इस सब चीज को फेस कर चुकी हूँ और आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, वो भी स्किन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। खाने में गैपिंग रखनी चाहिए। खैर ये सब बातें हो गई, अब मैं आपको एक क्रीम बताऊंगी जो कि आपकी स्किन को लेके बहुत इफेक्टेबल है, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। जिस रेमेडी की मैं आपको बात कर रही हूँ वो है नाइट क्रीम। आपको नाइट क्रीम बनानी है और उसे एवरी नाइट आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे। अगर आपके फेस पे पिंपल आ जाते हैं और फेस पे आपके स्टैंड पड़ जाते हैं पिंपल से, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, मुझे इसका रिजल्ट मिला था, मेरे फेस पे काफी दाने हो गए थे जिसको मैं अपने हाथ से फोड़ देती जो कि नहीं फोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका स्टैंड रह जाता है, वो स्टैंड बहुत ही मुश्किल से जाता है, मैं बहुत परेशान हो गई थी इस चीज से। फिर मैंने ये रेमेडी अपनाई, मैंने नाइट क्रीम बनाया, होममेड नाइट क्रीम जो कि 100% रिजल्ट देता है और आपको 1 मंथ में ही आपको बहुत अच्छा इसका बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसकी रेमेडी चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं आपको बताऊंगी नाइट क्रीम की रेमेडी जो कि आपको बनानी है और उसमें चाहिए सिर्फ आपको 3 चीजें, लाइक एलोवेरा जेल, मैं पतंजलि का यूज करती हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हो उसका कोई इश्यू नहीं है, एंड कैप्सूल चाहिए, विटामिन ई का कैप्सूल, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और कोकोनट ऑयल। यहाँ ऑयल का इश्यू ये है कि अगर किसी की ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो वो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन पे ऑयल अगर हम डालते हैं तो उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है फेस पे, तो उसको आपको स्किप करना चाहिए। सो गाइस आपको ले लेना है एक खाली बॉल, इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 2 टीस्पून एलोवेरा जेल। ओके हम एलोवेरा जेल ले लेते हैं 2 टीस्पून। गाइस हमने इतना एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है, इसमें हम इस बाउल में डाल देंगे। हम 1 स्पून और एलोवेरा जेल ऐड करेंगे इसमें, सो गाइस हमने 1 टीस्पून और एलोवेरा जेल ले लिया है और हम ऐड कर देंगे अपने बाउल में। देन आफ्टर गाइस हम विटामिन ई का कैप्सूल ले लेंगे। गाइस हमें 1 कैप्सूल लेना है विटामिन ई। सो गाइस हमने इस बाउल में एलोवेरा जेल ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल जो कि मैंने इसे कट कर लिया है और इसकी ऑयल को हम इसमें डाल देंगे। यू कैन सी गाइस, ओके फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें याद रखिए कि अगर जो आप ऑयल लेते हैं गुलाम रोगन ऑयल लेते हैं तो आपको उसका सिर्फ 2 ड्रॉप्स इसमें ऐड करना है, और अगर आप कोकोनट ऑयल लेते हैं तो उसका आपको 4 ड्रॉप्स इसमें ऐड करना है। तो मैं इसमें 4 ड्रॉप्स ऐड कर लूंगी। गाइस मैंने इसमें इसका 4 किया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और जब आप इसे मिक्स करेंगे गाइस तो आप देखेंगे ये एक क्रीम फॉर्म में आ जाता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ इसको, मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक क्रीम फॉर्म में बन जाता है। सो गाइस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ चुका है। यू कैन सी गाइस, देखिए ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ चुका है।
एंड ये फेस पे अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आपको इसे क्या करना है, आपको एवरी नाइट अपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद आपको एवरी नाइट इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। सुबह आपको ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद अब वन मंथ में ही देखेंगे अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम की समस्या होगी, आपके फेस पे टैन वगैरह होगा, स्टैन वगैरह होगा, तो वो आपको धीरे धीरे रिमूव होता हुआ दिखेगा। सो गाइस, मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी घरेलू रेमेडी आप तैयार करते हैं और आप उसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि उसका रिजल्ट आपको 3-4 दिन में या फिर हफ्ते में ही पता चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या, आपको धीरे धीरे उसका रिजल्ट मिलता है। जो मैंने आपको ये नाइट क्रीम बताई है ये आपको 100% रिजल्ट देगा, लेकिन इसके लिए आपको इसको एवरी नाइट वन मंथ में ही आपको ऐसा पता चल जाएगा कि इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो आप इसे एवरी नाइट इसे इस्तेमाल कीजिए और आप देखिए अगर आपको स्टैन वगैरह है तो धीरे धीरे रिमूव होते हुए आपको दिखेंगे, आपका फेस क्लीन दिखेगा। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।